नमस्ते बच्चों, मैं रोशनी दुबे वीर छत्रपति शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र इतिहास के पाठ 4 वैदिक काल को। बच्चों, आप लोग जानते हैं वैदिक काल क्या होता है, या आपने इसके पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा है या सुना है? बताइए। जानते हैं? चलिए बच्चों, तो इस वैदिक काल अध्याय में सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति क्या होती है? बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान सिंधु एवं सरस्वती नदियों के मैदान में ही एक और संस्कृति का विकास हुआ, उसे ही वैदिक संस्कृति कहा जाता है। और जो लोग वैदिक संस्कृति का विकास किए उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों सुसंस्कृत या फिर श्रेष्ठ, यानी कि वो अपने आप को बहुत ही क्या मानते थे, आर्य जिनको कहा जाता था वो बहुत श्रेष्ठ थे। बच्चों, इसके अतिरिक्त आगे हम जानते हैं वैदिक संस्कृति के बाद वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, यानी कि ये जो साहित्य है बहुत ही पुराना है, सबसे पहले इसी की ही रचना हुई। इसमें बहुत सा ज्ञान है। इस प्रकार के साहित्य बच्चों कहीं भी देखने नहीं मिलते हैं। वेदों में जो भाषा है, प्राचीन भाषा, वह संस्कृत भाषा है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बच्चों, साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता था। श्रुति साहित्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुराने जमाने में जो गुरु रहते थे वो गुरुकुल या पाठशाला में अपने शिष्यों को कैसा ज्ञान देते थे, मौखिक रूप से ज्ञान देते थे, यानी कि वह बोल करके उनको वेद मंत्र और जितने भी चीजें सब बोल करके ही सिखाते थे। और जितने शिष्य रहते थे वो क्या करते थे, बार बार बोल के उसका स्मरण करते थे ताकि वह उनको याद हो जाए और उनको वो समझ आ जाए। इस तरीके से बच्चों पुराने जमाने में जो ज्ञान था वो क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। मतलब अगर कोई गुरु अपने शिष्य को सिखा रहा है तो वह शिष्य अपने भाई बहन या फिर आने वाली जो आगे की पीढ़ी है उनको इसी तरीके से ज्ञान देते थे। बच्चों, वैदिक काल को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। बच्चों, जो पूर्व वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक या जो पूर्व वैदिक काल है उसमें लोगों का जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार होता था इसको अब हम समझते हैं। बच्चों, पूर्व वैदिक काल में जो लोग रहते थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि वहां पे जो सिंधु नदी है वह क्या होती थी, अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर के जो क्षेत्र बनाती थी उस क्षेत्र में रहते थे, जिसे क्या कहा जाता था, सप्त सिंधु प्रदेश। बच्चों, उस समय जो लोगों का आर्थिक जीवन हुआ करता था उसमें वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, यह उनका मुख्य व्यवसाय होता था। उस जमाने के लोग खेती भी करते थे, लेकिन वो लोग खेती में जौ गेहूं बस यही चीजें उगाते थे, लेकिन खेती को वह अपना प्रमुख व्यवसाय नहीं मानते थे। वह अपना प्रमुख व्यवसाय किसे मानते थे, पशुपालन को। और पशुपालन में भी जो गाय रहती थी वह उनकी मुख्य पूंजी होती थी। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो पशु रहते थे वो कौन थे, गाय। ठीक है, वे क्या करते थे, गायों की पूजा करते थे जैसे हम अभी भी करते हैं।
और गायों से दूध, मक्खन, घी ये सब भी वो प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त बच्चों, पहले के जमाने में गाय तो मुख्य पूंजी थी, बहुत महत्वपूर्ण पशु थी उनके लिए, लेकिन वह घोड़े का भी उपयोग करते थे। घोड़े रथों को क्या करते थे, उस समय जोतते थे। और उसके अलावा वो लोग भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे। जितने भी पशु रहते थे वे क्या करते थे, चारागाह में चरते थे, यानी कि जो लोग रहते थे, आर्य लोग, वो पशुओं को चारागाह में चराने ले जाते थे। चारागाह जो रहते थे वो सामूहिक अधिकार में थे, यानी कि किसी एक का एक चारागाह नहीं होता था, कुछ लोगों का मिलाकर के एक चारागाह हुआ करता था। अगर पशुओं के लिए चारा कभी कम पड़ जाए तो वह क्या करते थे, उस जगह को छोड़ करके अगली जगह में जा करके बस जाते थे। बच्चों, जो रथकार होते थे यानी कि रथ बनाने वाले, वह क्या करते थे, रथ बनाते थे, लेकिन वो उस जमाने के महत्वपूर्ण कारीगर होते थे। महिलाएं उस जमाने की सूत कातती थी और कपड़े बुनती थी। बच्चों, यह देखिए, यह नक्शा है जिसमें भारत का ये नक्शा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो पशुपालक आर्य रहते थे, ये ऐसे झुंड बना करके रहते थे। देखिए, ये लाल कलर से जो बिंदु बिंदु बना हुआ है, तो ये एक इनका समूह होता था जो यहाँ पे निवास करते थे। बच्चों, पूर्व वैदिक काल के जो लोग रहते थे उनका रहन सहन किस प्रकार था, यह अब हम जानेंगे। इस काल में जो आर्यों का जीवन रहता था वो बहुत सीधा साधा और एकदम सरल रहता था, मतलब बहुत आसानी से वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो लकड़ी के घरों में रहते थे या फिर मिट्टी के घरों में भी रहते थे, लेकिन गायों के लिए वह क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे। और वो अपने भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, जौ, मांस, गेहूं ये सब खाते थे। और उस जमाने में जो आर्य लोग रहते थे उनके परिवार का मुखिया पिता होता था। समाज में पुरुषों को बहुत महत्व दिया जाता था। वैदिक समाज में जो महिलाएं होती थी उनको भी बहुत सम्मान मिलता था, उनका भी सम्मान किया जाता था। वो महिलाएं क्या करती थी, यज्ञ जैसे या पूजा पाठ, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उसमें पुरुषों के साथ भाग लेती थी। और उस जमाने की जो महिलाएं होती थी उस समय की, वो बहुत शिक्षित भी होती थी। इतनी शिक्षित होती थी कि वेदों के जो सूक्त रहते थे, जो मंत्र रहते थे, उनकी भी वो क्या करती थी, रचना करती थी। बच्चों, पूर्व वैदिक काल में समाज किस प्रकार रहता था, कैसा होता था उस जमाने का समाज, यह हम इसमें जानेंगे। वैदिक काल में जो समाज का प्रमुख आधार है वो परिवार होता था, जैसे अभी भी है। एक गांव या बस्ती में बहुत से लोग रहते थे, वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। अभी भी हम एक गांव या बस्ती में रहते हैं, लेकिन उस गांव या बस्ती में सभी लोग हमारे रिश्तेदार नहीं होते, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी नहीं होते। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो परिवार रहते थे, एक गांव के लोग रहते थे, वो सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। ऐसे कई गांव के लोगों को मिलाकर के एक जन बनता था, मतलब ऐसे बहुत से छोटे छोटे परिवार मिला करके एक गांव या बस्तियां बनाई जाती थी। और उस तरीके की अगर बहुत से गांव बन गए जो सब सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हों, तो उन गांवों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। उस समय ऐसे कई जन थे, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, पुरुजन, कुरुजन, यदुजन। आप लोगों ने इनके बारे में महाभारत में सुना ही होगा, अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो। बच्चों, जो वैदिक काल के लोग थे उस समय क्या करते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो संस्कृत भाषा का उपयोग नहीं करते थे।
वह संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। उनका जो रहन सहन था, उनका जो आचरण था, वो आर्य लोगों से बहुत अलग हुआ करता था। इसलिए वैदिक लोग उन्हें, यानी कि आर्य लोग उन्हें दास, दस्यु या पणि भी कहते थे। वैदिक जन और इन लोगों के बीच कभी कभी युद्ध भी होते थे। और युद्ध क्यों होते थे? क्योंकि उनके आचार विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। लेकिन जब वह एक स्थान में रहने लगे, साथ में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, तो एक दूसरे की बातें सीखने लगे, जानने लगे और उनमें मेल मिलाप होने लगा। ऋग्वैदिक कालीन में जाति जाति पंथी या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल है, वहां पे छुआछूत नहीं माना जाता था, सभी लोग एक समान माने जाते थे। बच्चों, पूर्व वैदिक काल के जो राजा रहते थे, वो कैसे बनते थे? जैसे कोई एक समूह है, तो उस समूह के जितने भी पुरुष हैं, वो क्या करते थे? मिल करके अपने में से किसी एक पुरुष को अपना राजा चुनते थे। राजा का काम क्या होता था? युद्ध का नेतृत्व करना, मतलब युद्ध में सबसे आगे रहना और युद्ध की जानकारियां देना, और युद्ध कैसे लड़ना है, उसमें क्या क्या करना है, ये सारी चीजें राजा बताते। और उसके अलावा राजा का काम यज्ञ करना भी था, लोगों की समस्याओं का निपटारा करना भी था। और उस समय के जो राजा होते थे बच्चों, वो वंशानुगत नहीं होते थे। यानी कि अगर कोई अभी राजा बना है, तो उसके होने वाले पुत्र वो राजा नहीं बन सकते। बन सकते भी थे और नहीं भी बन सकते थे, क्योंकि जब राजा बनाया जाता था, तो जितने भी सभा के सदस्य होते थे, सभी की सलाह लेना जरूरी होता था, ताकि वह राजा क्या ना कर पाए, अपने जन पर मनमानी ना कर पाए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक जनों की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे, आर्य है ना, उनका जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? गणतांत्रिक थी। यानी कि वह समूह में सभी लोग मिल करके आपस में अपनी एक दूसरे से सहमति बना करके ही कोई कार्य करते थे। बच्चों, उस जमाने में भी युद्ध हुआ करते थे। और युद्ध क्यों होते थे? पशुओं को चराने के लिए एक जन क्या करते थे? दूसरे जनों के अगर क्षेत्र में चले जाते थे, तो चारागाहों के लिए वहां पे युद्ध होता था। लेकिन किसी भी जन की कोई सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर जो पुरुष लोग हैं उस जन के, उस गांव के पुरुष रहते थे, वो क्या करते थे? युद्ध में शामिल होते थे और युद्ध लड़ते थे। राजा उनका नेतृत्व करता था, और जो हारे हुए समूह रहते थे या जो युद्ध में हार जाता था, वो क्या करते थे? जीते हुए आर्य वहां से, उनके गांव से, उनके लोगों से उनका पशु, धन, संपदा या जितने चारागाह हैं, सब ले आते थे। और लाने के बाद राजा अपने पूरे गांव में उन चीजों को बांट देता था। बच्चों, जो वहां के जन थे, वो क्या करते थे? राजाओं को भेंट भी देते थे, जैसे कि दूध, घी है, अनाज है, आभूषण है, गाय इत्यादि। राजा इनमें से जो उनको भेंट, राजाओं को जो भेंट मिलता था, राजा क्या करता था? जो भी चीज भेंट मिली, उसका एक हिस्सा स्वयं अपने पास रखता था, और जो बाकी का हिस्सा होता था, वह गांव के, यानी कि जन के लोगों में बांट देता था। बच्चों, जो पूर्व वैदिक काल के लोग हैं, वह देवी देवताओं पर विश्वास करते थे और यज्ञ आदि भी करते थे। समय समय पे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। वे अपने देवी देवताओं से उनके
उनके जीवन में खुशहाली आए, उनकी संतानें अच्छी हो, गाय घोड़े ये सभी रोग मुक्त हो, या पूरा जो एक गांव है, पूरा जो जन है वो क्या हो, रोग मुक्त हो, युद्ध में उन्हें विजय मिले, ये सारी प्रार्थनाएं वो अपनी देवी देवताओं से यज्ञ के दौरान करते थे। बच्चों, पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि हुआ करते थे। फिर यज्ञ में अग्नि कुंड के माध्यम से दूध, दही, घी, जौ आदि देवताओं को समर्पित करते थे। यानी कि बच्चों, वो यज्ञ के दौरान अग्नि कुंड में क्या करते थे, दूध डालते थे, दही, घी, जौ, ये सब अग्नि कुंड के माध्यम से किसको अर्पित करते थे, देवताओं को अर्पित करते थे, यानी कि देवताओं को चढ़ाते थे। साथ ही इसके अतिरिक्त वो लोग उनकी स्तुति भी करते थे। बच्चों, वैदिक सूक्तों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन है, यानी कि जो वो लोग स्तुति करते थे उसमें देवताओं की स्तुति तो होती ही थी, उसके साथ ही प्रकृति की भी स्तुति या उसमें वर्णन किया जाता था। विश्व की उत्पत्ति कैसी हुई, इस यह भी उसमें शामिल हुआ करता था। बच्चों, वैदिक संस्कृति की जो सबसे बड़ी देन है वह है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी है। वैदिक साहित्य जो कि सबसे पुराना साहित्य है, गणतांत्रिक परंपराएं यानी कि छोटे छोटे जनपदों का युग, गणतांत्रिक परंपराएं वहां पे चलती थी, यानी कि सभी समूह में क्या करते थे, आपस में चर्चा करके, बातचीत करके किसी भी चीज का, किसी भी बात पर निर्णय लिया करते थे। बच्चों, अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया दो भागों में बांटा गया है वैदिक काल को, है ना, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वह काल था बच्चों जब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। इस समय वैदिक संस्कृति जो थी वह सिंधु और सरस्वती नदियों के क्षेत्र में ही, मतलब लोग रहते थे वहीं तक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के टाइम में क्या हुआ था, समय में क्या हुआ था, यह आगे बढ़ गई थी और आगे बढ़ करके जो गंगा और यमुना नदी है उनके क्षेत्रों तक वह फैल चुकी थी। इस काल में कृषि होती थी, जैसे कि पहले पूर्व वैदिक काल में कृषि होती थी, लेकिन कृषि में भी उन्नति हुई, उसके साथ साथ उद्योग और धंधों का भी विकास हुआ, जबकि पूर्व वैदिक काल में उद्योग धंधे नहीं हुआ करते थे। इससे राज्य बने, पहले पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा गांव मिलकर के, बहुत से गांव मिलकर के क्या बनाते थे, एक जन बनाते थे, लेकिन यहाँ पे राज्यों का विकास हुआ यानी कि राज्य बने। बच्चों, उत्तर वैदिक काल में जनपद की स्थापना हुई, जो जन के लोग थे जिस क्षेत्र में निवास करते थे वह उनको जनपद कहा जाने लगा। यानी कि पूर्व वैदिक काल में हम जन बोलते थे, उत्तर वैदिक काल में उनको क्या बोला जाता था, जनपद। जैसे कि पहले हम कुरु जन बोलते थे, है ना, पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में वही कुरु जनपद हो गया, सुरसेन जनपद, पांचाल जनपद हो गया। बच्चों, कृषि का विकास हुआ और भौतिक समृद्धि भी हुई, क्योंकि उत्तर वैदिक का पूर्व वैदिक काल में कृषि में सिर्फ लोग जौ और गेहूं ही बोते थे या उसकी कृषि करते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि में उन्नति हुई और किसान बहुत से अनेक प्रकार के अन्न अधिक मात्रा में उगाने लगे, जैसे कि उन्होंने चावल उगाना जाना, गेहूं, तिलहन, दाल आदि, और ये सबको पहले वो लोग पूर्व वैदिक काल में सिर्फ अपने खाने के लिए ही क्या करते थे, उगाते थे, मतलब उनको अपने परिवार के लिए जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही वो लोग खेती करते थे, उतनी खेती वो लोग करते थे।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में जरूरत से ज्यादा वो क्या करने लगे, खेती करने लगे, ताकि वो क्या कर सके, अधिक मात्रा में अगर उत्पादन करेंगे तो जो अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए जो जरूरत होती थी, उस खाने को वो संभाल करके रखते थे और बाकी को बेच देते थे, जिससे खेती की उन्नति हुई और समाज में भौतिक समृद्धि दिखाई देने लगी। बच्चों, इस समय के जो लोग थे, नए नए आभूषण बनाने लगे। पूर्व वैदिक काल में चमड़े की चीजें नहीं बनती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चमड़े की चीजें बनने लग गई, लकड़ी की भी चीजें बनने लग गई। इसके लिए भी कुशल कारीगर होने लगे, मतलब जो कारीगर थे उन्होंने भी उन्नति की, अपने कौशल को उन्होंने निखारा। इसके साथ ही बच्चों, विभिन्न धातुओं का भी उपयोग होने लग गया, जैसे कि लोहा। लोहा, जिसे कृष्ण अयस्क कहा जाता था या काला धातु भी कहते थे। इन सब की जानकारी बच्चों, ये सब कैसे हुई, ये उस जमाने में थी या नहीं थी, ये सभी चीजों की जानकारी हमें कैसे मिलती है, वैदिक ग्रंथों में मिलती है। और खुदाई में भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं समय समय पर, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, लोहे की औजारें। तो इससे ये पता चलता है हमको कि यह जो औजार हैं या मिट्टी के बर्तन हैं, ये किस समय में या किस जमाने में इनका उपयोग किया गया है। बच्चों देखिए, अभी हमने एक पहले नक्शा जाना, अब ये दूसरा नक्शा है, यह भी भारत का ही नक्शा है। इसमें जो पहले जन थे या जो पशुपालक थे, वो क्या करते थे, इस क्षेत्र में छोटे छोटे समूहों में रहते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ तक आ गए हैं, गंगा नदी के किनारे तक पहुंच गए हैं, उनका क्षेत्र और बढ़ गया है और यहाँ पे वो छोटे छोटे समूहों से एक राज्य बनाए हुए हैं। बच्चों, अब हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के समाज और धर्म के बारे में। वैदिक काल में बच्चों, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था और पूर्व वैदिक काल में क्या होता था, एक ही परिवार के लोग रहते थे। यहाँ पे संयुक्त परिवार में भाई व कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में साथ साथ रहते थे, और जो मुखिया होता था परिवार का, वह उस परिवार का कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करता था, उसे गृहपति कहते थे। सभी लोग क्या करते थे, उसकी बात मानते थे। बच्चों, वैदिक साहित्य के अनुसार उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इसमें जो पहली अवस्था है वो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था है। इसमें क्या होता था, मनुष्य बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, इसमें मनुष्य विवाह करके अपना परिवार चलाते थे। तीसरी जो अवस्था थी वो वानप्रस्थ थी, वानप्रस्थ आश्रम। इसमें जो मनुष्य था वो क्या करता था, परिवार से दूर होकर अपना चिंतन मनन करता था। चौथी व्यवस्था है संन्यास आश्रम, इसमें मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करते हुए अपने जीवन के जो अंतिम समय है उसको बिताते थे। बच्चों, उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर जो गृहपति थे वह भी पशुपालन ही करते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। इन गृहपतियों के आसपास उनकी सेवा करने वाले सेवक लोग भी रहते थे। गृहपति समय समय पर क्या करते थे, अपने राजा को भेंट दिया करते थे, और जो गृहपति राजा को भेंट देते थे उससे राजा व राज्य का खर्च चलता था। पूरे जन के मुखिया को राजा कहते थे। अभी बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास हुआ, तो वहां का जो एक मुखिया होता था उसे क्या बोला जाता था, राजा। उसके रिश्तेदार और सहयोगी को राजन्य कहा जाता था, यानी कि
जो राजा के सहयोगी होते थे, उस राज्य को चलाने में राजा की मदद करते थे, और जो राजा के रिश्तेदार होते थे उन्हें राजन्य कहा जाता था। उनका मुख्य काम क्या था? जनपद की रक्षा करना। लेकिन युद्ध के समय पहले की तरह ही जन जन के जो सारे पुरुष होते थे वो क्या होते थे, इसमें शामिल होते थे, यानी कि पूरे ही जन के पुरुष मिलकर के युद्ध करते थे। बच्चों, उत्तर वैदिक साहित्यों से यह पता चलता है कि राजा और राजन्य बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। इस तरीके के यज्ञ बहुत महीने चलते थे, जबकि जो पूर्व वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वह कम दिनों के होते थे, इतने महीने नहीं चलते थे और उनमें इतना खर्च भी नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के यज्ञों में समय भी बहुत लगता था, बहुत महीनों तक चलते थे और धन भी बहुत खर्च होता था। और ये जो यज्ञ होते थे इन्हें ब्राह्मण पुरोहित संपन्न कराते थे। ब्राह्मण को धन, गाय, ये सब दान में प्राप्त होते थे। उनकी मान्यता थी कि इन यज्ञों से जनपद में क्या आएगी? खुशहाली आएगी और जो राजा होगा वो शक्तिशाली बनेगा। उत्तर वैदिक काल में बच्चों समाज चार वर्णों में बटा था। पहला वर्ण जो यज्ञ करवाते थे और वेद पढ़ते पढ़ाते थे। दूसरा क्षत्रिय वर्ण जो जनपद में शासन करते थे और उस जनपद की रक्षा भी करते थे। तीसरा वैश्य वर्ण था जो जनपद में खेती और पशुपालन करते थे। चौथा शूद्र वर्ण था जो सेवा का कार्य करते थे। बच्चों, वर्ण व्यवस्था के कारण ही समाज में जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। इस दौरान बच्चों उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की भी रचना हुई। हमारे देश में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल पे ही हुई थी, जो उत्तर वैदिक कालों पर ही उत्तर वैदिक काल की बातों पर ही आधारित है। आप सभी लोगों ने रामायण और महाभारत का नाम तो सुना ही है और बहुत कुछ आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं, है ना? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कौसल जनपद की बातों पर आधारित है। मतलब जो रामायण की रचना हुई यह कौन से जनपद की बातों पर आधारित है? कौसल जनपद। यह उस समय कौसल एक जनपद था जहाँ पे यह सब बातें हुई, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया? रामायण में लिखा। इसी प्रकार जो महर्षि वेद व्यास हैं इन्होंने महाभारत की रचना की, जो कि कुरु, पांचाल और सुरसेन जनपद, यहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई थी। पूरी बातें वहाँ इन जनपदों में हुई थी, इन पर आधारित है। बच्चों, ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इन महाकाव्यों ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। लोग इनसे बहुत सी चीजें सीखते हैं। इनके अध्ययन से हमें इस समय की इतिहास की जानकारी भी मिलती है, यानी कि पुराना जो हमारा इतिहास है वह भी हम इन्हीं महाकाव्यों के द्वारा ही जानते हैं। बच्चों, यह अध्याय समझ में आया आप लोगों को? किसी को कहीं पे भी इस अध्याय से संबंधित कोई परेशानी या कोई डाउट है क्या? या कहीं पे कोई ऐसी लाइन जो आप लोगों को ना समझ में आई हो? चलिए, अगर सबको समझ में आ गई है तो गृह कार्य के प्रश्न पहले लिखिए, फिर उसके बाद में आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी, ठीक है? गृह कार्य के लिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए, जन के लोग राजा को भेंट क्यों देते होंगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि जन के लोग राजा को क्यों भेंट देते हैं, सिर्फ मैंने आप लोगों को इस अध्याय में ये बताया है कि
जन के लोग क्या करते थे, राजा को भेंट देते थे, और राजा उस भेंट का क्या करता था। तो जरा आप इसे अपने से सोचिएगा। बच्चों प्रश्न दो हो गया, लिख लिए प्रश्न एक। मैं फिर से प्रश्न एक को बता रही हूं, जन के लोग राजा को भेंट क्यों देते होंगे। प्रश्न दो लिखिए आप। वैदिक काल के लोगों के भोजन एवं हमारे भोजन में क्या-क्या समानताएं एवं असमानताएं हैं? यानी कि जो वैदिक काल के लोग होते थे, उनका भोजन कैसा होता था और हमारा भोजन कैसा होता है? ये दोनों में क्या-क्या समानताएं हैं और क्या-क्या असमानताएं हैं? ये सभी चीजें आपको बतानी है। बच्चों आगे प्रश्न तीन। आपके गांव या शहर में किस किस वर्ग के लोग रहते हैं? वे अपने त्योहारों व उत्सवों को किस प्रकार मनाते हैं? क्या इन उत्सवों में अन्य वर्ग के लोग शामिल होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप जरा ध्यान पूर्वक सोचिएगा और फिर इसका उत्तर लिखिएगा। आपके गांव या शहर में किस किस वर्ग के लोग रहते हैं? सभी गांव या शहरों में अलग-अलग वर्ग के लोग रहते हैं, है ना? तो ये आप पता लगा करके लिखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। फिर उसके बाद वे अपने त्योहारों व उत्सवों को किस प्रकार मनाते हैं? अब जब सभी अलग-अलग वर्ग के होंगे तो सभी के जो त्योहार और उत्सव होंगे वो भी अलग-अलग प्रकार के होंगे, तो वो कैसे मनाते हैं, किस प्रकार मनाते हैं, ये आपको लिखना है। और फिर क्या इन उत्सवों में अन्य वर्ग के लोग शामिल होते हैं, यह भी आपको बताना है। लिख लिए बच्चों आप लोग गृह कार्य के तीनों प्रश्न। चलिए अब बताइए मेरे एक प्रश्न का उत्तर। वैदिक काल को किन दो भागों में बांटा गया है? उनका नाम क्या क्या है? बच्चों इसमें आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं लिख करके। या बोल करके भी उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताती हूँ। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है और उनका नाम क्या है? क्या क्या नाम है पता है आप लोगों को? बताइए। बच्चों जल्दी बताइए आप लोग, अभी आप लोगों ने जाना ना, दो भागों में बांटा गया और उनका नाम है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल और दूसरा है
उत्तर वैदिक काल। अच्छा बच्चों, चलिए अब यह जो गृह कार्य के प्रश्न मैंने आपको दिया है, इन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छे से सोच करके लिखिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। बाय। हाँ बेटा, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? मैम। बाय बेटा। तीन में भी तो